साहस सरोकार। कुशीनगर में भाइयों ने इनकी बहन की हत्या, शव को गन्ने के खेत में फेंक कर हुए फरार। कुशीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चार अंतरराज्यीय तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई में डंपर और बोलेरो की भिड़ंत, दो की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद में सूदखोर से परेशान था युवक ने लगाई मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में पेट्रोल टंकी के पास मिला शव, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लगातार वोटर लिस्ट में खामियां देखने को मिल रही हैं। लिस्ट में मतदाताओं के नाम और उनके वार्ड का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि अधिकारियों की जल्दबाजी का खामियाजा मतदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला लखनऊ के चेतनपुरवा गांव से सामने आया है, जहां के निवासियों का साफ कहना है कि उनका गांव नगर निगम सीमा के जानकीपुरम तृतीय वार्ड में आता है, लेकिन अधिकारियों की गलती से हम लोगों को जोन 7 में शहीद भगत सिंह तृतीय वार्ड में मतदाता बना दिया गया, जबकि जानकीपुरम तृतीय वार्ड की मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए था। इस पूरे मामले की शिकायत पूर्व प्रधान योगेंद्र यादव और डॉक्टर संतोष रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। समाज सेवी विवेक शर्मा ने ट्वीट और पत्र के माध्यम से जनता की समस्या को एडीएम वित्त और एससीएम पंचम को समाधान करने के लिए कहा है। बार वोटर हुए हैं और ये जानकीपुरम तृतीय में हमारे लोग का वोट पड़ना था, लेकिन ये भगत सिंह तृतीय में कर दिया गया, द्वितीय में, जो कि जो यहाँ का जीतेगा जो द्वितीय से यहाँ कार्य थोड़ी करेगा और यहाँ पर विकास कार्य कम होंगे, इसलिए प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि इसको जानकीपुर तृतीय में डाला जाए। शिवजय साहब के यहाँ पर और 7 में भी मैं गया, लगातार मैंने उनको एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा कि आप जाके नगर निगम में ये आप कराइए, इनकी साइन भी कराइए। हमने सबके पास जाके मैंने उस चीज़ को कराया भी, और कराने के बाद मैं खुद चल के मैं सबके सारे अधिकारियों पास जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी है कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और जैसे कि तैसा हुआ, कहीं हमको जोन 3 से हमको 7 में भेजा जा रहा, 7 वाले जोन 3 में भेज। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने का कार्य किया जा रहा था, सभी जगह पर बीएलओ की तैनाती की गई थी, हर बूथ लेवल को लेकर के जितने भी मतदाता सूची में जिनका नाम छूटा था उनके नाम को जोड़ने के लिए कवायद की गई थी, उसके बाद भी मामला सिफर रहा कहीं ना कहीं। तो हर वार्डों में अभी भी मतदाताओं के नाम छूटे हुए हैं। हम जानकीपुरम तृतीय वार्ड के चेतनपुरवा गांव में इस समय मौजूद हैं। यहां पर जो यहां के जो मतदाता हैं तक लगभग यहां पर 300 मतदाता हैं जिनका नाम अब की बार प्रथम बार जानकीपुरम तृतीय वार्ड में आया है। अभी तक यहां ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, अब पहली बार ये जानकीपुरम तृतीय में 8 गांव जो शामिल हुए हैं उसमें से चेतनपुरवा एक गाँव है। यहाँ के निवासी जो लगभग 300 निवासी हैं उनका जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं नगर निकाय चुनाव का, लेकिन इनका ये आरोप है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वोटर लिस्ट जो नाम अब की बार आए वो जानकीपुरम तृतीय वार्ड में है, लेकिन हम लोगों का जो है वोटर लिस्ट जो है गलती से शहीद भगत सिंह वार्ड में कर दिया गया है, तो हम वहाँ वोट देने कैसे जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के, हम उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की गड़बड़ी हुई और कहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है और कहाँ चुनाव हो रहा है। मैं डॉक्टर संतोष, मैं प्रत्याशी भी हूँ, साथ साथ दूसरी चीज़ है, मैं गांव के अंदर जब मैं बीच में आया तो यहाँ के गांव के लोग कहने लगे कि मेरा वोट तो शहीद भगत सिंह में है और मैं शहीद, मेरा वोट जो मैं रहता हूँ जानकीपुर तृतीय में, तो मैं वोट कैसे वहाँ करने जाऊँ, मैं वहाँ वोट नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग गांव की जनता के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग अपील करते हैं कि हमारा जो चुनाव है, हमारा जो वोट है, जो जानकीपुर तृतीय में ही किया जाए और हम इसके लिए ही आप लोगों के बीच में आपके साथ हूँ। और आप यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो द्वितीय में जो हमारा शहीद भगत सिंह में जो वोट हमारा है उसको काट के हमारे जानकीपुर तृतीय में किया जाए। हमारे साथ इस गांव के चेतनपुरवा गांव के जो पहले ग्राम प्रधान रहे उनसे एक बार जानेंगे कि आखिर यहां पर क्या समस्या उत्पन्न हुई जो यहां पे वोटर हैं
प्रधान जी 300 वोटर हैं, उनका ये जानकीपुरम तृतीय वार्ड में आ रहा है नाम। तो अभी आपका चुनाव जो मतदान होगा वो मतदान केंद्र कहीं और जा रहा है, किसी और वार्ड में, क्या कहेंगे इसको? ऐसे बोलिए। मैं पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह यादव हूँ, मेरा गांव तृतीय में है और वोट द्वितीय में पड़ रही, इसलिए उधर का जो जीतेगा मेरा काम भी नहीं करेगा, कहेगा वो तो उधर पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम, मेरी वार्ड किसी तृतीय में जोड़ दी जाए, कर दिया जाए। यहाँ के कुछ और मतदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और वो जानकीपुरम तृतीय में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। इनका साफ कहना है कि हमारा जो है ये वार्ड काट करके जानकीपुर शहीद भगत सिंह में कर दिया गया, जबकि हम लोग जानकीपुरम तृतीय वार्ड में हैं। कुछ युवा हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस गाँव के, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले नगर निकाय चुनाव में करेंगे। क्या कहेंगे? आपका नाम, आपका नाम तृतीय में था और शहीद भगत सिंह वार्ड में चला गया, किसकी खामियाँ हैं? मेरा नाम राजकुमार गौतम है, जो कि मैं चितनपुरवा गांव में रहता हूं और बीएलओ जी की कमियों की वजह से या प्रशासन की कमियों की वजह से मेरा जो वोटर लिस्ट और मेरा जहां नाम है हम गांव वासियों का, वो शहीद भगत सिंह वार्ड द्वितीया में चला गया है, जो कि मैं चाहता हूं मेरा गांव प्रधान जी के सपोर्ट में हम लोग बात अपने तृतीया वार्ड में वोट डालना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ये बात रखने की कोशिश की कि शासन और प्रशासन इस बात को थोड़ा संज्ञान ले। कितने 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 वोटर हैं इस गांव में, कितने लोग, कितने वोटर हैं? लगभग 300 होंगे। तो क्या अभी समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या? समस्या यही है कि यहां पे सुनवाई ही नहीं होती एक तरीके से देखा जाए तो। ये बीएलओ जो है ये काम तो उनका है एक प्रकार से, कि वो लोग जो है हमारे वार्ड की वोटें इधर रखे और उधर की वार्ड उधर रहें। तो समस्या ये है कि वो लोग अगर इस बात पर ध्यान दें तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपने देखा कि जानकीपुरम तृतीय वार्ड के लोग थे यहाँ पर, इनका ये साफ तौर पर आरोप है बीएलओ के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि इनका नाम जानकीपुरम तृतीय से हटा करके और शहीद भगत सिंह वार्ड में कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये परेशान है वोट देने के लिए मतदाता, पहली बार ये मतदान का प्रयोग करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र था अभी तक, अब ये पहली बार जानकीपुरम तृतीय में 8 गाँव में जो नाम शामिल हुए ये चैतनपुरवा गाँव भी आया है। तो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और खासा नाराज़ हैं प्रशासन के ऊपर और बीएलओ के ऊपर, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को सही से नहीं किए, इसी वजह से 300 नामों में गड़बड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो नाम यहां से लेकर के दूसरे वार्ड में चले गए हैं तो इसका खामियाजा इन गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। अब आगे देखना होगा कि अधिकारी और प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है कि नहीं करता है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस को सफलता मिली है। 2 लग्जरी वाहन से तस्करी कर ले जा रही 35 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों पर आगे की कार्रवाई जारी है। हम लोग जान रहे जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसी के क्रम में कल शाम को कसिया पुलिस ने गोपालगढ़ तिराहे से मुखबिर सूचना के आधार पर 2 गाड़ियां रोकी थी। 2 गाड़ियां पकड़ी थी, एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो। सूचना थी कि इसमें से कुछ अवैध शराब लेकर के ये लोग बिहार लेकर के जा रहे हैं। जब इनको रोककर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कोई वैध इनके पास नहीं थे, और जांच के क्रम में इनके गाड़ियों से 35 पेटी जो है सो शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। हरदोई में लोनार इलाके में डंपर और बोलेरो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें ड्राइवर सहित 2 श्रद्धालु की मौत हुई है, साथ ही कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एनआईटी फरीदाबाद के एक शख्स ने सूदकोर से परेशान होकर अपने ऊपर तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा दी। आग लगाने के चलते शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शख्स की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सबदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि आग लगाने से पहले आज उस शख्स ने पुलिस कमिश्नर के नाम एक लेटर लिखा है और व्हाट्सएप पर वायरल किया है और फिर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित राजकुमार के परिजनों सूदखोर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
खबर रायबरेली से, जहां पेट्रोल टंकी के पास एक अज्ञात मानसिक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे कोतवाल पंकज तिवारी ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शव को पोस्टमार्टम करा उचित कार्यवाही के निर्देश जारी किए। खबर कुशीनगर से, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा किया। युवती की हत्या से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती के सगे भाइयों ने प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या कर गन्ने के खेत में फेंक मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। आज इस हत्या की घटना का सफल अनावरण कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है। इस युवती की हत्या में इसके ही परिजन शामिल थे, जिसमें इसके दो सगे भाई हैं जिनका नाम नौशाद अंसारी और अमजद अली है। घटना की पृष्ठभूमि का जो कारण है वो यह है कि इस युवती का उसी क्षेत्र के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर परिवार वालों की काफ़ी नाराजगी थी। अक्सर करके इस संदर्भ में मारपीट की घटना भी हुई थी और इसी क्रम में उस दिन काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई इनके बीच पड़ा है, जिसमें पहले इसको इन युवकों के द्वारा डंडे से पीटा गया और उसके बाद रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई है। प्रकरण में दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आला कत्ल जो है उसको बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सुल्तानपुर से, जहां गुलाब आभूषण केंद्र में चोरी कर रही महिला के फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने टप्पेबाज महिला को गिरफ्तार किया। दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले महिला ने दुकान से झुमके चोरी किए थे, आज फिर टप्पेबाजी की कोशिश में थी। ये 5 तारीख को 12:49 पे हमारी दुकान पे वो औरत आई, वो आकर के उसने मुझसे एक झाला मांगा और झाला में जब लेने अंदर गया दुकान के अंदर, तो उसी समय उसने दुकान के काउंटर के अंदर जो कि ट्रे में पायल रखा था, उसने लगभग एक एक पाव का 2 जोड़ी पायल निकाला है उसमें से, और निकाल करके उसने अपने पर्स में नहीं रखा, अपने कपड़े में भुड़के में छुपाया था। वो हमारे कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। महिला अभी अभी गुलाब ज्वेलर्स पे रंगे हाथ पकड़ी गई है, उसने एक झाला चुराया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।